गंज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जन आशीर्वाद महासभा हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, चिराग पासवान को सुनने के लिए जब यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, सभा के बाद जब लौट रहे थे उस वक्त चिराग पासवान ने जनता के बीच जाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वे औरों की तरह बार बार गठबंधन नहीं बदलते हैं और सीट शेयरिंग पर भी जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा की, जन आशीर्वाद में महासभा उन्होंने की है और उसके तहत यहां देख सकते हैं जो जनता का समर्थन है वो चिराग पासवान को यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। हजारों लोग चिराग पासवान को देखने और सुनने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में यहां पहुंचे हैं और चारों तरफ जो भीड़ है वो चिराग पासवान का अभिवादन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंच से चिराग पासवान ने घोषणा की है कि किस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है वो इस पर अभी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की जनता के साथ उनका गठबंधन है और उसी के तहत वो इस जन आशीर्वाद महासभा को उन्होंने संबोधित किया है और चारों तरफ जो जनता है वो चिराग पासवान का अभिनंदन करती हुई नजर आ रही है। सभी चिराग पासवान को हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं और चिराग पासवान भी अपने जनता का जो प्यार है वो स्वीकार कर रहे हैं। हजारों लोग चिराग पासवान के इस काफिले में शामिल हैं। चिराग जी आपने कहा कि किसी पार्टी के साथ ही जनता के साथ गठबंधन है। बिल्कुल, जनता के साथ गठबंधन है। हाँ, चुनाव का समय है, जरूर हम लोग वो राजनीतिक गठबंधन भी उसकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी, बट हाँ मेरा समर्पण मेरे बिहार के लोगों के साथ है। जन आशीर्वाद मिला है आपको आज यहाँ मुजफ्फरपुर में, क्या लगता है किसके साथ गठबंधन करेंगे? NDA मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जब आप यहाँ पर देखिएगा जिस भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उससे ज्यादा उत्साह, ये उत्साह मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। RJD के साथ गठबंधन होगा कि NDA में रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बार बार गठबंधन बदलने का काम हम लोग के स्वभाव में नहीं है। सीटों को लेकर चर्चा लगभग अब अपने अंतिम दौर पर। कितनी सीट मिलेगी? बिल्कुल, तो यहाँ चिराग पासवान ने लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दिखाई और जन आशीर्वाद महासभा के तहत मुजफ्फरपुर के साहिबगंज पहुंचे। हेलीकॉप्टर से वो सीधे पहुंचे और उन्हें देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं और चिराग पासवान भी उनसे मिलकर काफी खुश नजर आए। साफ तौर पर कहना था कि लोगों का आशीर्वाद मिला है, गठबंधन वो बदलेंगे नहीं, यानी NDA के साथ वो रहेंगे। सीटों पर जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी। वैशाली से जो प्रत्याशी हैं वीना देवी, जो वर्तमान सांसद हैं, वो चिराग पासवान के साथ मंच पर मौजूद रही और साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी वैशाली से उनकी तैयारी है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर।